रायगढ़ डिग्री कॉलेज में छात्रों के काउंसलिंग के दौरान बीजेपी नेता और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लात घूसे और डांटी डंडे चले, इसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत करवाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं की काउंसलिंग में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी अपने समर्थकों के साथ काउंसलिंग करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर विवाद हुआ। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल के समय बिना किसी को जानकारी दिए इस प्रकार का आयोजन करना सही नहीं है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने विरोध किया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। किरोड़ीमल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज में पहले प्रिंसिपल साहब से मिले और प्रिंसिपल साहब से चर्चा करने के बाद हम लोग बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए हॉल में गए। करियर काउंसलिंग में पूरी तरह से कर रहा था, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सब जगह अवेलेबल है। उसमें कोई विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, पूरी करियर काउंसलिंग हो रही थी। वहां पे आकर एनएसयूआई और कांग्रेस से रिलेटेड कुछ लोगों ने हमारे लोगों के साथ बहुत गंदी गालियां और बहुत ज्यादा मारपीट किया है। हमने टीआई साहब को इस बात की पूरी तरह से बात को बताया है और हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई पुलिस करे। प्रिंसिपल पूरी विधि द्वारा प्रिंसिपल सर से बातचीत करके और प्रिंसिपल सर ने सारे स्टूडेंट लोगों को बोला था इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि काउंसलिंग का कार्यक्रम था, क्योंकि पूर्व में आईएएस रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अपने अपनी जगह पे। तो उस संबंध में कार्यक्रम चल रहा था जिसके दौरान पार्षद है कांग्रेस के आरिफ हुसैन, वो और अपने साथियों के साथ अचानक से दर्जनों लोगों के साथ घुसे और उन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट करना चालू कर दी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को रोका, हमारे कोई भी कार्यकर्ताओं ने उल्टा हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन ये भी कि हम डरने वाले नहीं है इस गुंडे प्रवृत्ति के लोगों से। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है, जब से कांग्रेस सरकार आई है आज उनके पार्षद गुंडागर्दी कर रहे हैं।